हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीज में। हम कर रहे थे बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के प्रश्न, तो इसी कड़ी में ये है सेट नंबर 10। हम करेंगे आज सही जोड़ियाँ। ये है पहली सही जोड़ी, साइन थीटा। साइन थीटा, अब देखना आपको ये है, इसमें थोड़ा दिमाग लगा के करना है। जब भी ये करनी वाले दिए हों, ठीक है, वर्गमूल दिया है किसी में, मतलब वो सर्वसमिका दिए है। अब सर्वसमिका में कोई भी मान तो आएगा नहीं, तो फिर क्या 10/30 से ये तो मिलेगा नहीं, ठीक है। और एक चीज़ और देखना, 10/30 है मतलब इसका कोई ना कोई मान होगा करनी में, या फिर कोई संख्यात्मक मान होगा, तो ये अपन लॉजिक लगा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है, आपने पढ़ा होता, लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसकी शॉर्टकट बता देता हूँ, लाल LAL बटे के कक्का, लाल बटे कक्का हमने पढ़ा था बचपन में। तो साइन थीटा पहले होता है, मतलब साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। इसी के यदि उल्टा कर देंगे हम, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी तरीके से कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। इस तरीके से आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर सकते हो। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम मिला देंगे लंब बटे कर्ण से, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब आप जानते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के प्रतिलोम है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। 1 बटे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो से कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा पक्षांतर होके, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो गया 1। टेन थीटा का मान क्या होता है, 1/3। कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा इसका, ये वाला सर्वसमिका हो आपने पढ़ी हुई, 1+cot θ, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा cosec² θ। तो 1 को हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 1, और ये वर्गमूल यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा कॉट थीटा बराबर cosec²θ-1। 5वां नंबर, sec90-θ बराबर cosec θ। ये हमने पढ़े थे पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, वे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है, जैसे कि 40 धन 50 बराबर 90। तो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में देखे थे पूरक कोण, जैसे sin90-θ बराबर cos θ, ठीक है, cos90-θ बराबर sec θ। इसी तरीके से sec90-θ बराबर cosec θ, cosec90-θ बराबर sec θ, और tan का उल्टा होता है cot, तो tan90-θ बराबर cot θ, और cot का उल्टा हो जाएगा cot90-θ बराबर tan θ। तो इस तरीके से आपको सही जोड़ियां मिलानी है। नेक्स्ट है cosec60 का मान कितना होता है। तो cosec60 का मान मान लो याद नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, sin60 का याद करेंगे। sin60 का मान होता है हमारा कर्णी 3/2, तो साइन उल्टा होता है कौशिक का, इसलिए ये हो जाएगा कौशिक का मान हो जाएगा हमारा 2/3। देखिए कहाँ पर है, 2/3 ये मिला हमें। tan90-θ बराबर कितना होता है, tan90-θ अभी मैंने बताया था आपको cot θ। sin48 sec 42, मतलब हम इसको लिख सकते हैं sin48, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस सेक का जो पूरक बनेगा वो बनता है कॉसेक में, तो ये इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक। इसको लिखेंगे हम पहले 90-48, ये लिख सकते हैं 90-48 क्या 42 हो जाएगा। अब देखा था हमने सेक 90-θ बराबर होता है cosec θ, तो ये हो जाएगा cosec 42 8 cosec 48, और sin48 × cosec 48 ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं प्रतिलोम। 1/sin θ बराबर होता है cosec θ, तो ये sin θ यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 1, ठीक है। तो ये हो गया 1, और प्लस ये भी हो जाएगा 1। इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, cosec 42 हो जाएगा sec 48, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1, एक और एक हो गया 2, तो ये हो गया हमारा 5वां विकल्प। sin²θ + cos²θ, ये सर्वसमिका पहली आपने पढ़ी है, इसका मान होता है 1। sin²θ + cos²θ बराबर 1। tan90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 5 को मिलाएंगे 2 से। अगली सही जोड़ी करते हैं,
जो जो बन रहे हैं पहले हम उसको ट्राई करते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है? ये होता है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तीसरी सही जोड़ी करते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमिका से कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा, 2 इंटू 1 ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 एकम 2, ये हो गया 2। और सेक स्क्वायर 3 थीटा माइनस 10 स्क्वायर 3 थीटा, ये हो जाएगा हमारा बचा कौन सा, 1, तो ये आ गया हमारा 1। इस तरीके से आपको करना है। तो ये था सेट नंबर 10, महत्वपूर्ण सही जोड़ियाँ। आपके 10th क्लास में त्रिकोणमिति की सही जोड़ी आने के चांसेस हैं, क्योंकि पुराने पेपर मैंने देखे तो उसमें सभी त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति अध्याय से ही सही जोड़ियाँ पूछी गई थी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा लिया है।